कभी इज अप मोहब्बत मजहब हो गई है मेरे लिए, अब हाथ जोड़ू या उठाओ फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, खेसारी लाल यादव भोजपुरी के कितने बड़े सुपरस्टार हैं और उनकी फिल्मों का लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। ऐसे में खेसारी लाल यादव के फैंस इस बात को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि उनकी कौन सी नई फिल्म आने वाली है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको खेसारी लाल यादव की आने वाली एक बहुत ही शानदार फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसमें जबरदस्त एक्शन और रोमांस देखने को मिलेगा और जिसका दर्शकों को बड़ी बेसब्री से इंतजार है। यह फिल्म बहुत ही बड़ी एक्शन रोमांटिक फिल्म होने वाली है, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। दोस्तों खेसारी लाल यादव की ये जो दमदार एक्शन मूवी होगी उसका नाम है दिल है दीवाना, जिसमें उनके हर सीन में हमें दमदार एक्शन देखने को मिलेगा, जिसे देखकर दर्शक तालियां बजाने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों आपने सलमान खान टाइगर श्रॉफ का तो भरपूर एक्शन देखा होगा, बस मान लीजिए इन फिल्मों से भी दमदार एक्शन इस फिल्म में हमें देखने को मिलेगा। ये फिल्म बहुत ही बड़ी एक्शन फिल्म होने वाली है। दिल है दीवाना में खेसारी लाल यादव साइको आशिक के रोल में नजर आने वाले हैं। फिल्म के निर्देशन के लिए खेसारी लाल यादव एक अच्छे डायरेक्टर की तलाश में हैं और अब ये तलाश पूरी होती हुई नजर आ रही है। कहा जा रहा है फिल्म को साउथ के बहुत बड़े डायरेक्टर डायरेक्ट करने वाले हैं। खेसारी लाल यादव तो नजर आएंगे जो कि हीरो के रोल में नजर आने वाले हैं। उनके साथ भोजपुरी की मशहूर एक्ट्रेस अक्षरा सिंह भी नजर आने वाली हैं, जिन्होंने कई सारी दमदार मूवीज में काम किया है। लोग इन दोनों को साथ में देखना काफी ज्यादा पसंद करेंगे और इस फिल्म में विलन के लिए सोनू सूद भी नजर आ सकते हैं। उनसे बात चली है, सोनू सूद ने कई सारी मूवीज में विलन का रोल निभाया है, ऐसे में सोनू सूद इस फिल्म में विलन के रोल के लिए एकदम परफेक्ट साबित होंगे। अब साथ इस फिल्म की रिलीज डेट की बात करें तो इस फिल्म को अगले साल रिलीज किया जा सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि दर्शक इस फिल्म को लेकर कितने एक्साइटेड होते हैं और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या नया रिकॉर्ड बना पाती है। दोस्तों आप कमेंट में बताइएगा आपके हिसाब से फिल्म कितने करोड़ की कमाई करेगी। आप कमेंट करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपनी सफलता का झंडा गाड़ने वाली एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं। एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपनी एक लेटेस्ट तस्वीर शेयर की है, जिसमें देखा जा सकता है कि उनके चेहरे और बाल पर मिट्टी लगी हुई है। ये तस्वीर को देखने के बाद फैंस को एक पल के लिए एक्ट्रेस की चिंता भी होने लगी कि आखिर उन्हें चोट तो नहीं आई है। इसी वजह से पीसी के पोस्ट पर फैंस की ओर से सवालों के बौछार शुरू हो गए, लेकिन प्रियंका ने अपनी एक तस्वीर पोस्ट पे शेयर कर फैंस को इस तस्वीर की असल सच्चाई बताई। दरअसल प्रियंका इन दिनों अपनी अगली फिल्म सिटाडेल की शूटिंग के दौरान की है। दोस्तों आपको खेसारी लाल के इस गाने और प्रियंका चोपड़ा को लेकर क्या कहना है कमेंट करें।